सीसील के सीएमडी पीएम प्रसाद ने चूरी भूमिगत खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान वे महाप्रबंधक संजय कुमार और परियोजना पदाधिकारी विनय शर्मा के साथ खदान के अंदर तक भी गए, जहां से पानी निकालने का काम शुरू किया गया है। उस स्थल को भी सीसील के सीएमडी ने निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। खदान से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2 से 4 दिनों के अंदर खदान में भरे पानी को निकाल लिया जाएगा, जिसके बाद आग लगे स्थान तक रेस्क्यू की टीम पहुंच पाएगी। इस दौरान सीसील के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि चूरी रीओपनिंग को लेकर जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वह काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने इनके महाप्रबंधक संजय कुमार की तारीफ भी की। सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद ने कहा कि जनवरी माह के अंत तक यह खदान फिर से चालू हो सकेगा। उनसे भी हम लोग ये एडवाइज ले रहे हैं। बाकी इनकेरिया टीम इज डूइंग वंडरफुल वर्क। यहाँ का जितना रेस्क्यू ट्रेंड है, खास करके जीएम रेस्क्यू, रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट्स, ये जो हमारा रामगढ़ एंड टोटल यहाँ का जो आपका डकरा जी डकरा रत्नेश एंड विकास, पूरा रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन जो 80 के लगभग है, दे आर डूइंग 24/7 4-4 घंटा का पाली में 6 टीम्स करके जा रहा है। अभी फिलहाल 10 लेवल तक पानी है, 10 लेवल के नीचे वही देखने गया था। जैसा हमको भी ये चूरी से कब कोयला जल्दी ऊपर आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस माइनर का माइन है, इज ए प्रेस्टिजियस माइन फॉर सीसीएल। तो अभी हम लोगों को होप है, और एक DFO साहब के लिए भी अप्लाई किए थे हम लोग ऊपर से, एक एकदम फायर के ऊपर हमारा जो साय साहब ने एक मार्किंग किया है, तो उसमें परमिशंस के लिए वो भी यदि जल्दी मिलता है तो और श्योर शॉट हो जाएंगे। मतलब एकदम फायर के ऊपर ही उसी पिलर में रफली नाइट्रोजन फ्लशिंग भी कर रहा है। करीबन 3-4 टैंकर्स नाइट्रोजन फ्लशिंग किया है। ऑक्सीजन, CO2, CH4 सभी गैसेस का भी मॉनिटरिंग चालू है राउंड द क्लॉक। पहले 3-4 दिन पंखा जो है नॉर्मल चलाए नहीं थे हम लोग, नॉर्मल वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन बोलते हैं NVP, उसकी भरोसे चला। बाद में मतलब 8-10 लेवल में थोड़ा सा गर्मी हो रहा था, तो हम लोग पंखा भी जो है रिड्यूस्ड कैपेसिटी में चला रहा। अभी 11 लेवल से 18 लेवल तक पानी मारने के बाद उम्मीद है 56-57 लेवल तक फायर एरिया के पास पहुँचेंगे। पहुँच के भी करीब 7 स्टॉपिंग बनाना है उसमें, वो इम्पॉर्टेंट है। वो 7 अगर बन जाएगा तो फिर देन सक्सेसफुल की ओर जा सकते हैं। तो तब तक जो है हमारा कंटिन्यूस एफर्ट्स रहेगा, और DGMS के भी जो हमारा जो DMS साहब एंड DDG रांची, दे आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग। DMS हमारा क्या नाम है साहब का, जो सुप्रियो चक्रवर्ती साहब, एंड जो नया जो DDG साहब ज्वाइन किया, और DG साहब प्रभात कुमार साहब भी थे पहले, उनकी अंडरशिप में हम लोगों का जो परमिशन मिला है रीओपनिंग का। सो अभी प्रयास चल रहा है इसको रीओपन करने का, अभी चल रहा है संतोषजनक एज ऑफ नो। ये चालू हो जाएगा, हम उम्मीद है जनवरी में कोई टाइम में जो है हमारा 20 तारीख के आसपास, मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा यू विल बी नोइंग, हम लोग इंटीमेट करते रहेंगे सब कुछ। सर अभी पूरे सीसीएल का क्या परफॉर्मेंस है कोल प्रोडक्शन में? सर कोल प्रोडक्शन में हम लोग लास्ट ईयर 66+ मिलियन किया है। इस बार लास्ट ईयर का मतलब ऑन डेट जो प्रोडक्शन अगर आप लेंगे 24 दिसंबर तक, करीबन 2.5 लाख टन लास्ट ईयर से कोयला में ज़्यादा है, वृद्धि है। डिस्पैच में 4.3 मिलियन पीछे है, 43 लाख, क्योंकि डिस्पैच का डिमांड अभी भी उतना पीक नहीं हुआ। जैसे NTPC को हमारा 22-24 रैक लेना है, 8-9 रैक ले रहा है, कहीं DVC तो डिफरेंट पावर हाउसेस का अपना स्टॉक का रिक्वायरमेंट भी ले गए। बट उम्मीद है आने वाला समय में जनवरी लास्ट से और डिस्पैच का भी ग्रोथ बढ़ेगा, और ओवरबर्डन में भी करीबन मार्जिनल हम 1.2 मिलियन पीछे चल रहा है। बट कोयला में हम लोग इस बार का जो टारगेट दिया है 74 मिलियन, और हम लोग उसके और जो है अचीवमेंट के लिए प्रयास करेंगे। नौकरी मुआवजा भी एक समस्या है सर? नहीं, नौकरी मुआवजा जहाँ भी हम लोग 2 एकड़ में अपना जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट एंड हम लोग जो सर्टिफे करके दे ही रहे, नौकरी कोई रुका नहीं है। बट प्रोसेस जो है कंपनसेशन एंड जो एम्प्लॉयमेंट में कोई इशू नहीं है कहीं, मतलब GM JJ GM K लैंड्स में कहीं कहीं थोड़ा समस्या है, बट हम लोग प्रशासन हेल्प कर रहा है, जिला प्रशासन एंड राज्य सरकार। कुछ लोगों का जमीन का सत्यापन हो गया, उन लोग मुआवजा के लिए करके वो लोग कह रहे हैं कि सत्यापन होने के बाद भी यहाँ से हेडक्वार्टर से नहीं, नहीं ऐसा नहीं है कोई कारण से देखे, कोई भी सत्यापन होने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। फाइल में कोई चीज़ अगर छूट जाएंगे, कोई जल्दीबाजी होंगे, फिर उसमें आप बोलेंगे कि इसमें मतलब कहीं ना कहीं कमियाँ हो गया,
उसी चीज के लिए जो है वो होता है, बट वी आर रेडी, ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग, मैं आने के बाद भी एक फाइल का कंपनसेशन मेरे ख्याल से KDH में पुरनाडी में, पुरनाडी के एक R&R का फाइल हम लोग सैंक्शन किया है, अगर ऐसा है इसका भी KDH का भी हम देख लेंगे। रोहिणी करकटा OCP का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका रिजर्व एग्जिस्टिंग में कम है, मतलब ऑलमोस्ट इस साल में खत्म ही हो गया है, नया हम लोग इस एरिया में, इनके एरिया में रोहिणी करकटा पुरनाडी एंड KDH तीनों में ही फॉरेस्ट क्लियरेंसेस इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट में प्रयास चल रहा है, पूरा फुल फ्लेज्ड काम हो रहा है। सर नया साल आने वाला है, कुछ लोगों को विशेष? देखिए लोगों के लिए हम नया साल को CCL परिवार तरफ से पूरा यहाँ जो इनके का आसपास का जितना ग्रामीण है KDH एंड बाकी पिपरवार अमरपाली मगध सभी झारखंड वासियों को नया साल मंगलमय हो। पिछले साल सभी पूरा हमारा देश ही ने विश्व में ही महामारी के चलते हम लोग करोना महामारी में सभी लोग बाधित हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि 2021 सबके लिए मंगलमय हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, पूरा झारखंड वासियों को पूरा खुशहाली के साथ रखेंगे। एंड झारखंड में इस समय में कोरोना का इफेक्ट थोड़ा सा मिनिमम लेवल में ही चल रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय में तब भी हम लोग मास्क और ये सब जो है पहन के अपना वी हैव टू बी केयरफुल।